गोपालगंज के जलालपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही एक महिला और एक पुरुष सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्कर दूसरे प्रदेशों से शराब को लाकर बिहार में बेचने की फिराक में लगे रहते हैं। हालांकि बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को धरातल पर लाने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस ने दिन रात एक कर दिया है। वहीं ताजे मामले में जिले के उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कुचायाकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड से एक कार से भारी मात्रा में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ एक महिला समेत दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूचना प्राप्त हुआ था कि शराब की तस्करी की जा रही है कट रोड से। पलधरी में तो हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं, तो उसके अगल बगल का जो कट रोड है उससे लोग शराब ला रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में जो टीम गठित कर जिला से भेजा गया था, तो उसमें एक टाटा नेक्सन कार पकड़ा गया है अभी, जिसमें दो व्यक्तियों एक महिला सहित दो तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें हरियाणा निर्मित विदेशी शराब भारी मात्रा में मिला है। तो अभी शराब की गिनती की जा रही है, आगे की कार्रवाई विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तस्कर हरियाणा से 27,000 लीटर शराब को लेकर बिहार के दरभंगा जा रहे थे और गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ शराब तस्कर शराब की तस्करी करने के फिराक में हैं, जिसके बाद सूचना के आधार पर एक टीम को गठित किया गया, जिस टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। दरअसल NH-27 चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार जांच पड़ताल किया जाता है। तस्कर चेक पोस्ट से बचकर आसपास के गांव के रास्ते से होकर शराब की तस्करी के लिए गांव में पहुंच रहे थे। वहीं गिरफ्तार तस्कर भी यही हथकंडा अपनाकर चेक पोस्ट से बचकर जलालपुर के रास्ते शराब की तस्करी करने की फिराक में थे, जिसे उत्पाद विभाग ने धर दबोचा। वहीं तस्करों की पहचान हरियाणा के रोहतक के कैसाला गाँव निवासी कार चालक सुमित कुमार और रोहतक निवासी पिंकी देवी के रूप में की गई है। फिलहाल टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तस्करी में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।